हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में आने वाले एम्स मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। ये कॉलेजेस के बारे में आपको मैं पुरानी वीडियोस में अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता चुका हूं, इनकी स्ट्रेटेजी बता चुका है, एलिजिबिलिटी बता चुका हूं। आज हम इसके कट ऑफ्स के बारे में जानेंगे, जो एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ चाहिए आपको, कितने मार्क्स और पुराना कुछ स्टेट्स जो आपके काम आने वाला है एडमिशन लेने के टाइम। ठीक है, दूसरा ये बता दूं आपको, पहले एम्स का जो एडमिशन होता था एमबीबीएस कोर्स में, बच्चों पहले एम्स के अपने एग्जाम होते थे एमबीबीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए अपने एग्जाम होते थे, लेकिन फिलहाल एमबीबीएस के लिए और नर्सिंग के लिए नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है। आज हमारी जो वीडियो है बच्चों, एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या जाती है ना, ये सारे फैक्ट्स डाटा आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो देखो बच्चों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बच्चों, ये 1956 में शुरुआत हुई थी, पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की, जो 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाए गए थे। और बच्चों फिलहाल अभी तक डिफरेंट डिफरेंट सरकारें आई और अभी लेटेस्ट में कुछ 4-5 एम्स पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 24 टोटल एम्स है, मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया में, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है बच्चों। यहाँ अफोर्डेबल फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और इसमें जो मेन एग्जाम है बच्चों नीट, यूजी और पीजी और बहुत सारे और भी एग्जाम हो सकते हैं, फिलहाल बड़े जो एग्जाम ये होते हैं। और बच्चों स्कॉलरशिप है, और मतलब इससे सस्ती पढ़ाई और इससे बेटर पढ़ाई मेडिकल में बहुत कम कॉलेजेस में है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्या पूरे इस एशिया के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है, तो बहुत लोग आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े कंट्रीज से, अच्छे अच्छे कंट्रीज से लोग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं। बच्चों हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं 24 कॉलेजेस की। दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, रायबरेली, नागपुर, मंगलागिरी, गोरखपुर, भटिंडा, कल्याणी, देवघर, तेलंगाना, राजकोट, अवंतीपुरा, बिलासपुर, गुवाहाटी, बिबलीनगर, मनेठी, दरभंगा, मदुराई, विजयपुर, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं। ये 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं लास्ट वाले, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो 23-24 के आसपास इनमें भी कोर्स शुरू हो जाएंगे सिलेक्शन। सबसे पहले एम्स दिल्ली बच्चों, मक्का मदीना है ये मेडिकल साइंस के लिए, मतलब इनका ओपिनियन लास्ट ओपिनियन होता है डॉक्टर्स का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बीमारी है, किसी को कुछ भी है, तो इन लोगों का जो ओपिनियन है वो लास्ट ओपिनियन होता है बच्चों। तो एम्स दिल्ली भाई, यहाँ डॉक्टर नहीं भगवान बैठे हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो भगवान है, और आपका भी, आपके माँ बाप का भी सपना ऐसा होगा कि हमारा बच्चा एम्स दिल्ली में पढ़े। लेकिन बच्चों ऐसा भी है कि आप अलग अलग जगह से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इंडिया के अलग अलग पार्ट से, तो आपके आसपास कोई एम्स होगा, तो आपके माँ बाप का आपका सपना होगा कि मैं इस एम्स में पढ़ाई करूं, तो सारे ही एम्स की आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो कोर्स कौन कौन से, एमबीबीएस है, पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स और पीजी। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज में रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये बड़ा अच्छा कोर्स होता है बच्चों। ठीक है, इसमें 3-4 सीट्स ही होती है जनरल के लिए, और अच्छा कोर्स है। इसके बाद आईआईटीज में आप मास्टर कोर्स कर सकते हो, बड़ा अच्छा कोर्स माना जाता है ये। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट ने किया है, कभी उनके रिव्यू या उनके उनसे आपको किसी इंटरव्यू मिलाऊंगा। और एमबीबीएस को तो सब जानते हैं बच्चों, है ना। तो एमबीबीएस की कट ऑफ देखिए आप, यहाँ 51 है जनरल कैटेगरी की, मतलब अगर 1 से 50 आपका आएगा, 50 मान के चलना, हर साल 5-10 ऊपर नीचे होता है, तो आपको इसको सिलेक्शन मिलेगा जनरल में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 215, 218, एससी में 1198 और एसटी में 2239 और पीडब्ल्यूडी में ये। एक बात मैं आपको बता दूं, ये ना पूरी ऑल इंडिया रैंक से लिया गया है, ये कैटेगरी वाइज नहीं है, ऑल इंडिया रैंक से ये कट ऑफ लिया गया है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि यही माइलस्टोन है भाई, इसी के अकॉर्डिंग होगा, अब इस साल कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो जो अवेलेबल डाटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया है, इसको आप फाइनली मानेंगे, आप इस तरीके की तैयारी करेंगे। तो जैसे पुराने सालों में कुछ ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता कि एम्स दिल्ली को छोड़ के, देखो एम्स नंबर वन, हर तरीके से नंबर वन कॉलेज है बच्चों ये। लेकिन जब एम्स दिल्ली का सिलेक्शन नहीं होता, जैसे 200 नंबर आ गए, 200 रैंक आई ऑल इंडिया रैंक, तो 200 रैंक पे जनरल में आपको एम्स नहीं मिलेगा दिल्ली, बाहर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि उन्होंने बाहर के प्रेफर ना करें एम्स और दिल्ली का टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे मौलाना, उसको चूज किया है, तो ऐसा भी है। तो आने वाली वीडियोस में बच्चों मैं आपको ऐसे कुछ कॉलेज बताऊंगा, नीट के सबसे बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज, जिन्हें आप प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस है बच्चों, आपका सपोर्ट चाहिए बस। तो ये आपका मैंने दिल्ली का बताया, 1956 में 100 सीट्स के आसपास है, रैंक वन है एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी, और पहला हार्ट ट्रांसप्लांट यहीं पर हुआ था बच्चों। एम्स भोपाल दूसरी रैंक पे आता है बच्चों, इसमें भी वही लगभग कोर्स हैं सारे, और यहाँ पे आप इसकी कट ऑफ देख सकते हो। ठीक है, और 2012 में आया, देखो बच्चों 2012 में एस्टेब्लिश हुआ और रैंक 2 पे पहुंच गया, तो बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद एम्स भुवनेश्वर रैंक 3, सेम इसकी कट ऑफ आप देख सकते हो, यहाँ से सारे कोर्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों एम्स जोधपुर रैंक 4, एस्टेब्लिश ईयर 2012, और ये सारे कोर्स हैं, कट ऑफ है यहाँ। आप इनकी पीपीटीज ले सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके, ठीक है, लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां से पीपीटीज ले सकते हो। एम्स रायपुर
कट ऑफ देखिए आप इसकी, कोर्स देखिए, रैंक 7, एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश बहुत प्यारी जगह बना हुआ है बच्चों, और बहुत प्यारा कैंपस है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। और एम्स रायबरेली देखिए रैंक 8 इनकी कट ऑफ, और एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी 11th पे आया गोरखपुर, इसका डाटा ठीक है। 12th पे आया एम्स बठिंडा, इसका डाटा देखिए। 13th रैंक पे एम्स कल्याणी, 14th पे एम्स देवघर, 15th पे एम्स तेलंगाना, एम्स राजकोट। अब इनकी रैंकिंग नहीं है बच्चों, इसके बाद रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। 2020 में बनाया ये बच्चों, इसकी ये कट ऑफ है आप देखेंगे ठीक है। और यहाँ पे भी MBBS है, देखो एम्स में BDS, ए BMS ये सब कोर्स अवेलेबल नहीं होते ठीक है। एम्स बिलासपुर, एम्स गुवाहाटी ठीक है। और अब एम्स बिबली नगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ठीक है बच्चों, तो नॉट अवेलेबल। एम्स मनेठी, एम्स दरभंगा, एम्स मदुराई, आने उम्मीद करते आने वाले सालों में इनकी रैंक भी बहुत अच्छी जाए। तो बच्चों ये था आपको एम्स की सारी जानकारी मैंने दी। ये वीडियोस में बच्चों मैं आपके सामने लेके आऊंगा कुछ मेडिकल कॉलेज, बेस्ट मेडिकल कॉलेज, कुछ कोर्सेस BMS, और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं कि हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है बच्चों, आपका इनसे फायदा हो रहा है, आप इन्हें फायदा उठा रहे हो, और ये शेयर करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और बच्चों इन कॉलेज में जाने के लिए आपके भी सपने जुड़े होते हैं, आपके माँ बाप के भी और आपके टीचर्स के भी, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करिए, हकीकत होंगे सपने आपके। गुड लक।